गोडसे पर दिए बयान के बाद कमल हासन को मिली जान से मारने की धमकी। आतंकवादियों ने शोपियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता को मारी गोली। फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, मध्य प्रदेश और बिहार में दो आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद के मतदान केंद्र पर फिर होगी वोटिंग, बीजेपी एजेंट ने जबरदस्ती दबाए थे ईवीएम के बटन। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के 3 सीटों पर महागठबंधन का किया समर्थन। राहुल गांधी की तराना में आम सभा आज, 40,000 लोगों से ज्यादा की आने की उम्मीद। मोदी मोदी सुनकर रुकी प्रियंका और हाथ मिलाकर लोगों से कहा ऑल द बेस्ट। जातीय समीकरण में फंसे मनोज सिन्हा गाजीपुर में केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे। अमित शाह के बाद बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली की इजाजत रद्द, बीजेपी ने कहा टीएमसी एजेंट के दौर पर काम कर रहे हैं अधिकारी। गुजरात में पत्रकारों पर लाठीचार्ज को लेकर 4 पुलिसकर्मी निलंबित, जांच जारी।